हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंकर स्टडी टाइम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब मोडास। नाउ वी विल स्टार्ट। ए वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड ए मोडाल। मोडाल एक ऐसी वर्ब है जो स्पीकर के मूड या एटीट्यूड को दिखाती है या दर्शाती है। मोडल आर स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन मीनिंग लाइक परमिशन, एबिलिटी, सजेशन, पॉसिबिलिटी। मोडल्स एक स्पेशल ग्रुप है वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स का, जो कि कुछ परमिशन, एबिलिटी या कुछ सजेशन दिखाता है जो बोलने वाला है उसके बारे में, वो उसका मूड कैसा है ये बताता है, और परमिशन, एबिलिटी, सजेशन ये भी दर्शाता है। मॉडल्स आर नॉट कम्प्लीट वर्ब्स। मॉडल्स कम्प्लीट वर्ब्स नहीं होती हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे मस्ट बी फॉलोड बाई ए मेन वर्ब। वे अकेले सेंटेंस में यूज नहीं होती, उनके साथ मेन वर्ब का यूज होते हैं। मॉडल्स हैव ओनली वन फॉर्म विच दे नेवर चेंज। मॉडल्स की केवल एक ही फॉर्म होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती है, वे हमेशा एक जैसी ही रहती हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। जैसे इज एम आर चेंज होती हैं, वैसे मॉडल्स वर्ब चेंज नहीं होती हैं। यूज ऑफ मॉडल्स। आस्किंग फॉर परमिशन। परमिशन के लिए हम मे, कैन, कुड का यूज़ करते हैं। मे आई यूज़ योर टेलीफोन, कैन आई यूज़ योर टेलीफोन, कुड आई यूज़ योर टेलीफोन। मे का फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, कैन इनफॉर्मल के लिए, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये स्पीकर के सिचुएशन और लिसनर के साथ रिलेशन पे डिपेंड करता है कि उसका रिलेशन कैसा है। गिविंग परमिशन। परमिशन देने के लिए कैन और मे का यूज करते हैं। यू मे गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन यूज़ माई पेन। कैन का यूज और मे का यूज हम परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं। एबिलिटी। एबिलिटी के लिए कैन, कुड, बी एबल टू का यूज करते हैं। मोहन कैन कीप विकेट्स, सोनाली कुड रन फास्टर देन द अदर चिल्ड्रन। ये एबिलिटी दिखाते हैं मोहन और सोनाली की, कैन, कुड और बी एबल टू। कैन का यूज करते हैं हम प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाने के लिए, कुड का यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए, बी एबल टू का यूज करते हैं हम कोई भी टाइम हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो। कैन, कुड जनरल एबिलिटी है, बी एबल टू जनरल एबिलिटी और एबिलिटी इन पर्टिकुलर सिचुएशन भी है। बी एबल टू का यूज हम पर्टिकुलर सिचुएशन में एबिलिटी दिखाने के लिए भी करते हैं। पटेल कुड कीप विकेट्स, पटेल इज एबल टू कीप विकेट्स। वी वर एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर इजली, वी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर इजली, एंड आवल इज एबल टू सी इन द डार्क। ये एग्जाम्पल हैं कुड, कैन और एबल टू के एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं आप। इसमें पटेल कुड पास्ट है, पटेल इज एबल प्रेजेंट है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होता है एबल टू का। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे, माइट, कुड का यूज़ करते हैं। मे सजेस्ट ए गुड पॉसिबिलिटी एंड माइट, कुड सजेस्ट वीक पॉसिबिलिटी। मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, जबकि माइट और कुड वीक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। कुड आल्सो सजेस्ट ए वेरी पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। वीक पॉसिबिलिटी फ्यूचर के लिए होती है तो उसमें हम कुड का यूज करते हैं, माइट और मे का यूज नहीं करते हैं। सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी के लिए हम शुड और ओट टू का यूज करते हैं। शुड is used to express suggestion or advice. Ought to is a little stronger than should. It suggests that something is the right thing to do. It also conveys a sense of duty. Ought में strong होता है should की बजाय, इसमें ज़्यादा duty की भावना दिखती है और उसमें ज़्यादा obligation होते हैं should के बजाय। Should केवल suggestion देता है, advice देता है। शुड जनरल सजेशन के लिए यूज होता है और ओट टू का मॉरल ड्यूटी के लिए भी, मॉरल ड्यूटी होती है उनके लिए हम ओट टू का यूज करते हैं। प्रोमिस के लिए हम विल सेल का यूज करते हैं। विल सेल आर यूज टू सजेस्ट प्रोमिस। एग्जाम्पल, वी विल अटेंड यूर ब्रदर्स मैरिज, यू सेल गेट ए न्यू बैट ऑन यूर बर्थडे। इसमें बस एक चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे और सेकंड पर्सन के साथ सेल का। जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में वी और आई के साथ सेल का यूज होता है और यू और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम विल का यूज करते हैं, वो उल्टा हो जाएगा। रिक्वेस्ट, वुड, वॉन्ट, कैन, कुड। विल यू लीव मी अलोन प्लीज,
could you buy me some woolens please? Would you switch on the fan? Can I have some tea? Won't you have something to eat? ये कोई रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं वुड, विल नॉट का, कैन का और कुड का. हम कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो विल, नॉट, वुड, कैन, कुड का यूज करते हैं. विल नॉट, कुड और कैन यूज करते हैं. कैन इनफॉर्मल होता है, बाकी ये फॉर्मल होते हैं. नेसेसिटी की कंपल्सन के लिए हम मस्ट हैव, मस्ट हैव टू, हैड टू, हैड गो टू, विल हैव टू का यूज करते हैं. आई एम गेटिंग लेट, आई मस्ट टेक अ कैब. इसमें कुछ कंपल्सन दिखाई जाती है या ज़रूरत दिखाई जाती है, हमें वो करना ही पड़ेगा. जैसे यू मस्ट पे द ड्यूज ऑन टाइम्स एक्सेट्रा. मस्ट एंड हैव टू. मस्ट सजेस्ट द डिजायर ऑफ द स्पीकर. हैव टू सजेस्ट एन एक्सटर्नल कंपल्सन. मस्ट अंदर की डिजायर है, स्पीकर बोलने वाले की डिजायर दिखाता है, जबकि हैव टू बाहर का कोई कंपल्सन या दबाव है. प्रोहिबिशन. मस्ट नोट, ओट नोट टू, ये किसी काम की मनाही है. एग्जाम्पल है कार्स मस्ट नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ द गेट. गेट के सामने पार्क नहीं करनी चाहिए कार को. ओट नॉट टू मेक फन ऑफ एन ओल्ड मैन. एक बूढ़े आदमी का मजाक नहीं करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है ये. विस मे का यूज हम किसी अपनी अंदर की भावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं. जैसे मे इज नॉर्मल यूज टू एक्सप्रेस ए विश. मे यू रियलाइज यूअर एम्बिशन. तुम्हें अपनी एम्बिशन का पता हो. कास डेयर इट इज यूज एज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब विच एक्सप्रेस नेगेटिव आइडिया. डेयर नेगेटिव आइडिया को दर्शाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में. एग्जाम्पल है द चाइल्ड डेयर नॉट कंप्लेन. आई डेयर नॉट क्लाइम दैट टॉल ट्री. इसमें यह बच्चा शिकायत करने के काबिल नहीं है या नहीं करेगा और हिम्मत नहीं करेगा वो. यूज टू, वुड, यूज टू वुड आर यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट सिचुएशन. ये पास्ट की हैबिट या सिचुएशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं. जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग. इसके लिए यूज टू और वुड दोनों का यूज किया जा सकता है पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए कि वो मॉर्निंग में चलता था. यूज टू इट एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट्स. एग्जाम्पल ही स्मोक्स, वी ईट. यूजेज़ टू का हम प्रेजेंट की हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. जैसे ही यूजेज़ टू स्मोक्स. ही यूजेज़ टू स्मोक. वी यूज टू ईट. ये प्रेजेंट की हैबिट दिखाता है. नीड इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में यूज किया जाता है मेन वर्ब के रूप में. जैसे ही नीड्स माई हेल्प. आई नीड ए बुक. ही नीड्स सिंगुलर फॉर्म है, आई नीड प्लूरल फॉर्म है वर्ब की. ये दोनों रूप में यूज होता है. थैंक यू गाइज. प्लीज़ लाइक माई वीडियोज, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.